अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सनराइज। मैं हूं शनाज और आज हम इस तरह की बूटीज बनाएंगे। ये स्पेशल मैंने बिगनर्स के लिए वीडियो बनाया है और ये 5 और 6 साइज वालों को आएगी। इसको मैंने 10 नंबर नीडल से बुना है, बुलन आप कोई भी ले सकते हैं। तो जल्दी से हम इसको बनाना शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के बटन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आइए अब हम इसको बुनते हैं। इसके लिए 2 कलर के बुलन और 10 नंबर नीडल का इस्तेमाल करेंगे। आइए अब हम इसमें फंदे डालते हैं। सबसे पहले हम इस तरह से एक लूप बनाएंगे और इसे नीडल में उतार लेते हैं ऐसे, और ये वाले सिरे को टाइट हम लपेट लेते हैं किसी चीज में। इस तरह बुलन को मोड़ कर फंदे बनाते जाएं। ऐसे 54 फंदे मैंने इसमें डाले हैं। आइए अब हम इसको बुनते हैं। सबसे पहले हमें एक उल्टा एक सीधा बुनना है। ये देखिए ऐसे एक सीधा बुनेंगे, एक उल्टा बुनेंगे, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, सेकेंड रो भी हमें इसी तरह बुनना है, सीधे को सीधा और उल्टे को उल्टा। ये देखें अभी हमें ये फंदा इस तरह से निकाल लेना है, इसको हमें एंड तक इसी तरह करना है। ऐसे ही इसको बुनना कंटिन्यू रखेंगे। जब 5 रो हो जाएं, 1 2 3 4 5, तो इस रंग को हम काट देंगे और अगले रंग को ऐड करेंगे। अभी हमें सारी सिलाइयां उल्टी उल्टी बुननी है, कोई भी सीधा फंदा नहीं बुनना। यहां से इस धागे को काट देना है। सारी सिलाइयां इस तरह उल्टी उल्टी बुनेंगे। लास्ट का स्टिच अभी हमें इस तरह सीधा करके बुनना है। ऐसे ही इसको बुनना कंटिन्यू रखेंगे। रो मैंने अभी बुने हैं और एक बार हम ये लाइनें भी गिन लेते हैं। ये देखें, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 26 27 28 29 30। ये 30 बन गई हैं सीधी तरफ से। अभी हम उल्टी तरफ से जो है यहाँ से धागे को चेंज करेंगे और एक रो उल्टा और बुनेंगे तो ये 30 हो जाएंगी। तो टोटल जो है रो 60 हो जाएंगे। आइए अब हम इस कलर को ऐड करते हैं और ये वाले कलर को यहीं पर हम कट कर देते हैं। थोड़ा सा लंबा रख कर हम इसे कट देंगे। ये धागा हम स्टिचिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। आइए अब हम इसमें
ये वाला कलर जो है ये लगाएंगे। जैसे हमने यहाँ पर बुनाई की है वैसे ही बुनेंगे, एक सिलाई हम उल्टी बुनेंगे और बाकी के एक सीधा एक उल्टा। कलर को आप जब भी लगाओ तो ये जो धागा है इसको हमें साथ में ही रखना है, ये देखिए ऐसे, ताकि ये जो स्टिच है यहाँ पर ढीले ना पड़े और फिनिशिंग जो है वो अच्छी आए। इस तरह से धागे को मोड़ते जाएं, 5-6 स्टिच को इसी तरह बुनना चाहिए। इस रो को हमें उल्टा ही बुनना है और अभी हमारे पास जो है बॉर्डर बुनने के बाद ऊपर के जो रो हैं वो 60 हो जाएंगी। 15 लाइनें उल्टी तरफ भी नजर आएंगी और सीधी तरफ मैंने आपको गिनकर दिखा दी है, ये देखें। तो मैं इसे पूरा यहाँ तक बना लेती हूँ, ये देखें ये रो कंप्लीट हो गया है। अभी हम इस तरफ आ जाते हैं, अभी हमें एक उल्टा एक सीधा बुनना है। उससे पहले हमें ये वाला स्टिच जो है वो इसी तरह उतार लेना है, एक सीधा बुनेंगे एक उल्टा बुनेंगे, सीधा उल्टा, एक सीधा एक उल्टा बुनते हुए हम 5 रो बुनेंगे। ये एक रो हमने बना लिया है और 4 और बुनेंगे, ये देखिए एक रो हमारा कंप्लीट हो गया है, 4 रो और बना लेते हैं। ये देखिए इसमें हमें इस तरह से एक फंदे को निकालना है, एक उल्टा एक सीधा, तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूं फिर आगे बताती हूं। 5 रो मैंने कंप्लीट कर लिए हैं, 1, 2, 3, 4, 5। अभी हम उल्टी तरफ से इसको बंद कर देंगे 2 का 1 करते हुए। दो फंदों को एक साथ ऐसे उठाना है और इस तरह से एक कर देंगे, फिर से इसे नीडल में उतार लेना है और फिर से हमें 2 का 1 कर देना है। ये देखें ये इस तरह से चेन बन जाएगी, तो मैं इसे यहां तक बंद कर देती हूँ। अभी हमें इस धागे को उतना काट लेना है जितना इसकी हम आगे से स्टिचिंग कर सके। ये देखें ये एक स्टिच जो बच जाएगा उसको भी हमें इस तरह से ऐसे बुन लेना है और ये वाला धागा हम इस तरह से निकाल देंगे और ये जो धागा है इसी के साथ हम इस एरिया की स्टिचिंग भी कर लेंगे। ये देखें ये इस तरह से जो है चेन बन जाएगी, बंद करने के बाद सीधी तरफ से ये ऐसे नजर आएगा। अभी इसके टोटल रो 70 हो गए हैं, 5 यहाँ पर हैं, 5 यहाँ पर और बीच के जो हैं वो 60 हैं। तो अभी हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग के लिए हम ये जो धागा हमने रखा था तो इसी को हम नीडल में डालेंगे और स्टिचिंग करेंगे इस तरह से। अभी हमें क्या करना है, इसको हमें इस तरह से मोड़ना है और इधर से ऐसे मोड़ेंगे, इसको यूं बराबर कर लेना है ऐसे। धागे को हम
इस तरह से आगे की तरफ ले आते हैं, यहाँ, और ये जो बचा हुआ धागा है इसको हम नीचे की तरफ रख देंगे यहाँ पर। तो ये देखें, यहां से हम स्टिचिंग शुरू करेंगे। तीनों हिस्सों से हम स्टिच को लेते जाएंगे। अभी ये बीच में जो धागा हमने छोड़ा था उसकी हम इस तरह से स्टिचिंग करेंगे। ये देखिए, यहाँ से जितना हम ऊपर का हिस्सा बंद करना चाहते हैं उतना लेकर के ऐसे तिरछा ऐसे यहाँ तक इसकी स्टिचिंग करेंगे। लेकिन उससे पहले हम पीछे के हिस्से की स्टिचिंग कर लेते हैं। ये देखिए, उल्टी साइड से हम स्टिच कर रहे हैं।
ये स्टिचिंग मैंने कर दी है और ये देखिए ये सीधी तरफ से इस तरह से नज़र आ रहा है। अभी हमें क्या करना है, ये जो हमारा एरिया है ये देखें, यहाँ जो धागा था उसको मैंने नीडल में डाल लिया है और हमें इस तरह से रखकर इसको यहाँ से यहाँ तक इसकी स्टिचिंग कर देनी है। तो मैं इसको कर देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ ये किस तरह से नज़र आता है। ये देखिए जी, मैंने इसको सिल लिया है और यहाँ पर कोई भी बटन लगा देना है। अभी हम इसको पहन कर देखते हैं ये किस तरह से लगती है। अभी मैं आपको एक बात और बता दूँ, जब आपको दूसरे पैर के लिए स्टिचिंग करनी है तो आपको इस तरह से इसको मोड़ना है। ये वाली साइड पहले मोड़ेंगे और ये वाली साइड जो है इसके ऊपर इस तरह से, ये वाला जो सॉक्स है इसको हमने इस तरह से मोड़ा था, ठीक है, और इसको ये वाले को ये ऐसे मोड़ेंगे। यहां से स्टिचिंग शुरू करके यहां तक कर लेनी है ताकि ये जो डिजाइन है ये इस पैर में इस साइड पर नजर आ रहा है और दूसरे में ये इस तरफ पर नजर आएगा। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक करें, शेयर करें, अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।